हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका स्वागत है पहली सीरीज में इस चैनल की, जो कि होने वाली है सी प्रोग्रामिंग पे। तो इस सीरीज के अंदर मैं आपको पूरा सी का सिंटैक्स, लूप्स और जितना कुछ भी है वो मैं सारा करा रहूँगा। अगर आपको जानना है और भी, तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है इंट्रो, जिसके अंदर मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कि अब इस चैनल पे क्या होने वाला है। उसके अंदर मैंने सी लैंग्वेज के सिलेबस भी बताया जो मैं अभी कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो से। इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि सी क्या है और हम अपने मशीन के अंदर कैसे सेटअप कर सकते हैं सी लैंग्वेज के कोडिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि उसमें मैं, अगर आपने बीच में कोई बातें नहीं सुनेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी थोड़ी बहुत कि कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सी क्या है। सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1972 में डेवलप हुई थी बाय डेनिस। ठीक है, तो कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल से लो लेवल कोड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि अपनी मशीन अंडरस्टैंड कर सके। अब हाई लेवल लो लेवल क्या है? हाई लेवल वो होता है जो कि हम लिख रहे होते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश में सब कुछ लिखते हैं अपने जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना, और पर मशीन को तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। तो क्या होता है, कंपाइलर का काम होता है वो जो भी हम लिखते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक लो लेवल कोड में, जो कि बाइनरी जैसा होता है, और मशीन को वही समझ आती है लैंग्वेज। तो वो लो लेवल कोड को समझ के फिर जो जो हमने लिखा होता है उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो हमें अगर कभी भी प्रोग्रामिंग करनी होती है, हमें हमेशा दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो कंपाइलर चाहिए होता है, अगर वो कंपाइलर है, या फिर इंटरप्रेटर, या आगे हम जानेंगे इसके बारे में और भी। तो एक कोड एडिटर चाहिए होता है। कोड एडिटर क्या होता है? कोड एडिटर वो होता है जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। हम चाहे तो नोटपैड पे कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड पे कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट पे कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम ये कोड एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंपाइलर को इंस्टॉल करने से। तो कंपाइलर को इंस्टॉल करने के लिए आप अपना ब्राउजर खोल लीजिए और आप इस लिंक पे चले जाना। ये जो है, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं MinGW डाउनलोड। तो यहाँ पे बस आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपका डाउनलोड जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या करेगा, आपको आपके कंप्यूटर में C और C++ का कंपाइलर डाउनलोड कर देगा, जिससे कि आप अपना कोई भी जो कोड होगा आप उसको कंपाइल करके यूज कर सको। तो अब हम इसका वेट करते हैं थोड़ा डाउनलोड होने के लिए। जैसे कि देख सकते हैं आपका डाउनलोड हो गया, तो हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल करने पे कंटिन्यू। देयर इज कॉपी ऑफ ये। तो अब आप देख सकते हो कि मेरे पास ऑलरेडी MinGW इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो आपके आपके में ये नहीं लिखा है, अगर आपने नहीं करा तो आपको बस कंटिन्यू दबाना और इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि क्या हो गया एकदम से, भाई मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो आपको कोई ऐसे करने की बात नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपके पास जितनी भी चीजें आ रही होंगी आपको उसको राइट क्लिक करना है और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करते जाना है। इसे राइट क्लिक करके आपके पास इतनी सारी चीजें नहीं आ रही होंगी जितनी मुझे दिख रही है, आपके पास थोड़ा बहुत सामान आ रहा होगा जो कि टिक्ड है। आपको उन सबको राइट क्लिक करना है और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करके यहाँ जाना है और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है, जिससे कि आपका सारा कंपाइलर डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता देना, आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत इजी स्टेप्स है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ कुछ है, आपके पास थोड़ी चीजें होंगी, आपको उन सबको राइट क्लिक करना है, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करना है और यहाँ से अप्लाई चेंजेस करना है, जिससे कि आपका सारी फाइलें डाउनलोड हो जाएगी कंपाइलर के लिए। थोड़ा टाइम लेगी नेट से डाउनलोड करने के लिए। तो जैसे ही सब हो जाएगा उसके बाद आपका कंपाइलर आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, जैसे कि मैंने अपनी पीपीटी में दिखाया है कि वी नीड अ कोड एडिटर एंड कंपाइलर टू स्टार्ट कोडिंग। तो हमारे पास कंपाइलर आ गया, अब हमें चाहिए कोड एडिटर। तो कोड एडिटर जैसे मैंने बताया, हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट हो जाता है, विजुअल स्टूडियो कोड हो जाता है, नोटपैड भी एक अपने में, नोटपैड प्लस प्लस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, पर हम इस सीरीज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। अब विजुअल स्टूडियो कोड क्या है? विजुअल स्टूडियो कोड ऑल्सो नोन एज VS कोड इज अ कोड एडिटर यूज टू राइट प्रोग्राम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। इट इज वेरी इजी एंड फास्ट टू यूज। इट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट बाई गिविंग कोड स्निपेट्स वाइल कोडिंग। तो सबसे जो एक मेन रीजन है विजुअल स्टूडियो कोड का, एक तो ओपन सोर्स है, आपको फ्री में अवेलेबल है, मतलब ये इसके लिए कोई आपको चार्जेस वगैरह नहीं देने, या कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पैसे देने होंगे। और
ये बहुत ज्यादा वाइडली इस्तेमाल होता है और आप एक ही कोड एडिटर में बहुत सारे लैंग्वेजेस पे कोड कर सकते हो एक ही टाइम पे, और इसके अंदर एक्सटेंशन प्लगइन्स की मदद से आप इसको अच्छा भी देखने में बना सकते हो। और आपके लिए जब आप कोडिंग करो तो बहुत सारे वो आपको कोड स्निपेट्स दे, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे और बहुत ज्यादा फास्ट भी है, लाइट वेट भी है। तो बहुत सारे फीचर्स की वजह से हम विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो अब इसको डाउनलोड करने के हमें सेम प्रोसीजर रहेगा, हम अपने जाएंगे ब्राउजर में या लिखेंगे VS कोड डाउनलोड, यहाँ पे आप सबसे पहले लिंक पे चले जाना और यहाँ पे जाके आपको डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, आपको जहाँ भी डाउनलोड करना है अपने डायरेक्टरी में कर सकते हो, उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब मेरे मशीन में ये विजुअल स्टूडियो कोड भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो उसके लिए मैं आपको ऊपर बता दूंगा क्योंकि सेम प्रोसीजर होता है इंस्टॉलेशन का। तो बस आपको लोकेशन डिफाइन करनी होती है और उसके बाद आप इंस्टॉल कर लोगे। तो जैसे ही एक बार डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है आपको बता देता हूँ कि आपको इंस्टॉल कैसे करना होगा, इससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो। तो हमारा ये VS कोड का सेटअप हो गया इंस्टॉल और ये खुल गया, आई एक्सेप्ट नेक्स्ट। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये चीज़ें टिक रखनी है, ऐड ओपन विद कोड, ऐड ओपन विद कोड और ये वो ये ऐड टू पाथ, ये सारी चीज़ जैसे कि टिक है आपको टिक रखनी है, उसका नेक्स्ट दबाना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। बट जैसे मैंने बताया मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आपका, मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपका इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद, तो जैसे कि हमारा कंपाइलर और कोड इंस्टॉल हो चुके हैं, तो अब हम हमारा एक और स्टेप रहेगा जो कि ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने कंपाइलर को बता सकते हो, आप अपने मशीन को बता सकते हो कि मेरे पास एक कंपाइलर है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना यहाँ पे एक CMD कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए और यहाँ पे आपको लिखना है GCC, एंटर दबाइए। अगर आपको ऐसा नहीं लिखा रहा और आपको कुछ ऐसा लिखा आ रहा है कि GCC नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड, ऐसा कुछ भी आ रहा है कि नॉट फाउंड कुछ भी, अगर आपका ये नहीं आ रहा तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ जाना है, सर्च करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर आपको यहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाना है और ये सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर आपके पास एक पाथ नाम का होगा, उस पर क्लिक एडिट करना है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पाथ डाला हुआ है। अब आपको कैसे पाथ डालना है, आपने जहाँ अपना कंपाइलर डाउनलोड करा था, जैसे कि मैंने सी में MinGW मैंने यहाँ पे करा हुआ है, तो आपके पास एक बिन नाम का फोल्डर होगा, यहाँ पे सारी फाइल्स है जो कि आपके कंपाइलर को चाहिए होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ पे जाके आपको न्यू पे क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर देना है और ओके दबा देना है। अब जैसे कि मेरे पास तो ऑलरेडी एक बार है यहाँ पे, तो मैं तो नहीं करूँगा इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके तो हमारा, इसका मतलब हो गया हमारा सी भी अब रेडी है, हमारा कोड एडिटर भी रेडी है और हमारा कंपाइलर भी रेडी है और हमारी मशीन को पता है कि कंपाइलर कहाँ पर है। हमने अब सब कुछ रेडी कर लिया, तो अब हमारा एक लास्ट काम है कि हम थोड़ा कोड करके देखें। तो आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल सकते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड के लिए हम यहाँ पे खोल के, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फोल्डर खोल लेना है। तो जैसे कि मैंने एक फोल्डर बना लिया, एक बार फिर से ऑन हो गया, अगर आपके पास है तो ट्रस्ट ऑथर कर देना। यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू फाइल बना सकते हैं और यहाँ पे वो अपनी फाइल का नाम देंगे, और फाइल नाम ये बहुत अच्छी तरह से सुनना क्योंकि बहुत बंदे छोटी सी गलती के लिए बहुत घंटों वेस्ट कर देते कि भाई मेरा नहीं चल रहा, भाई मेरा नहीं चल रहा। तो आपको यहाँ लिखना, जैसे कि मैं दे देता हूँ चैप्टर वन, उसका आपको डॉट सी लिखना होगा। डॉट सी जब तक नहीं लिखोगे तब तक नहीं होगा, ये एक्सटेंशन होती है, जैसे अगर हम CPP लिखते तो C++ की हो जाती है, JS लिखते तो JavaScript हो जाता है, HTML होता है तो HTML होता है, CSS होता तो CSS, ऐसे सी लिखना है हमें। तो आप देखोगे आपका ऐसे खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका अब आप एक बार चेक करना चाहिए हमें कि हमारा सब कुछ चल रहा नहीं चल रहा, तो आपको एक छोटा सा कोड लिखना होगा। अभी के लिए आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं कि ये क्या है क्या नहीं है, आप बस आराम से बेनिश्चिंत ये सेम कोड लिख लीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है printf hello world, ये सेम कोड लिख के आपको यहाँ एक ऐसे ट्राइंगल बटन आना होगा रन कोड, आपको रन दबाना है और आपका अगर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा रहा है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आपका बन गया। देखो यहाँ पे आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है, आपका ये कोड एडिटर हो गया, सॉरी जो सोर्स फाइल है ये हमारा कंपाइल्ड फाइल है और हमने छोटा सा कोड लिख के देखा
और अगर ये चल रहा है तो आपका सही है। अगर आपका नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड में मैं आपको बता दूंगा जैसा भी प्रॉब्लम होगा उसका क्या सोल्यूशन है। तो ये था कि कैसे हम सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपने आज सीखा कि हम कैसे कोड एडिटर डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे कंपाइलर डाउनलोड कर सकते हैं, और हम एक छोटा सा कोड लिख के देखा जिससे कि हम सेट हो चुके हैं। अब हम अगली वीडियोस में आराम से बिल्कुल मक्खन की तरह आगे आगे बढ़ रहे होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो या आपको कुछ फीडबैक देनी हो तो कमेंट जरूर करना। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।